पैरू का परिंदा फरफराए। अरे वीडियो स्टार्ट हो गई। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब आज इतने दिनों के बाद आया क्योंकि तुम्हारे भाई को ट्रायम मिल गया। अब तुम्हारा भाई नीचे उतर रहा है क्योंकि तुम्हारे भाई के ग्राफ कमज़ोर थोड़े से हैं। तो तुम्हारा भाई के थोड़ा सा तुम्हारा भाई इवेंट के साइड पे उतरा है। नंबर 1, नंबर 2 भी हमारी एतबार हमारा भरोसे के साथ हमारे साथ ही उतर गया। मतलब किसी पे हमेशा ही किसी को भरोसा करना चाहिए, एतबार करना चाहिए। तो तुम्हारे भाई को यहाँ पे ग्राफिक का मसला हो रहा था। अरे नंबर सब कुछ ले गया, देसी कट्टा मिला तुम्हारे भाई को, सॉरी माय मिस्टेक। तो तुम्हारे भाई को यहाँ पे फॉरेक्स मिल गया और मैं ये स्टैंड फिलाना ढिमकाना। तो तुम्हारा भाई अब इवेंट तुम्हारे भाई को दिख रहा है। तो तुम्हारा भाई अब इवेंट पे जाएगा जहाँ पे कि मतलब ये पिरो वाला टिप, क्योंकि तुम लोगों को तुम्हारा भाई पिरो लगे। तो सामने एक बंदा है जिसे कि तुम्हारा भाई मतलब मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे भाई के साथ वो आँख में चोली खेल रहा था। मैं जब पीक करूँ वो नीचे चला जाता था, वो जब पीक करे तो मैं नीचे चला जाता था। लेकिन तुम्हारे भाई को आ गया गुस्सा इतने में, नंबर 2 को भी गुस्सा आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 2 बड़ी ही मेहनत के साथ इधर उधर घसीट पिट पिट रहा है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब घसीट पिट, ये कौन सा लफ्ज़ था, कोई भी लफ्ज़ हो लेकिन हम ये लफ्ज़ बोलेंगे क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे लफ्ज़ बोलने के लिए बैठा हुआ है, वरना क्या कंटेंट बनाऊंगा। छोड़ो इसे। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब सब्र का फल तुम्हारे भाई का सब्र टूट जाता है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब क्या क्या करता है अब तुम लोग देखना। नंबर 2 सब आपको मेरे ऊपर एतबार है ना, लड़की लग रही है। तो तुम्हारे भाई के ऊपर इनको पूरा पूरा एतबार है। तो तुम्हारा भाई इनको लेके जाएगा वहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंदा था लेफ्ट साइड पे पीछे वाले में है वो, उस पर तो तुम्हारा भाई उस पर रश करेगा। लेकिन तुम्हारे भाई को यहाँ पे मिल गया है विक्टर, विक्टर विक्टर कुछ भी मिल गया हो। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे जाएगा आगे बंदे को मारने, जहाँ तक आप देख सकते हैं मेरी नज़र कि सामने लूट वगैरह पड़ी हुई है। पहले अपना काम कर लें उसके बाद ही तुम्हारा भाई कुछ हिसाब किताब। अरे स्पाइडर नंबर 2 एतबार है ना, एतबार है ना भाई, एतबार है। हाँ हाँ होगा होगा, जवाब माइक तो नहीं खोल रहा है लेकिन होगा। तो आप लोग आप एक काम करना, बंदे को मार के आ जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ, मर मुरा नहीं जाना, एतबार एतबार खेलना इधर। चलो नंबर 2, आई एम सॉरी, मैं गेम में भी बोल देता हूँ यहाँ पे भी बोल देता हूँ। उसके बाद आपको मैं अपनी कैंपिंग पिरो कैंपिंग दिखाऊंगा जो कि मेरी बचपन से ही की आदत रही है। यहाँ पे तुम्हारा भाई फोरेक्स लगा के सामने बंदे देखेगा जो कि मतलब यहाँ पे वो देख सकते हो, लेकिन उस वक्त मैं गेम में नहीं देखा क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब K90 लेके बैठा हुआ है, कहीं पे बंदे दिख जाए लेकिन तुम्हारे भाई को यहाँ पे कुछ दिखता नहीं। लेकिन तुम्हारा भाई कोशिश नहीं हारता, तुम्हारे भाई की कोशिश हारने जैसी कोई जान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे भाई की तलाश ख़त्म नहीं हो रही थी, सामने आप देख सकते हैं बंदे हो सकते थे। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे रिकॉल भी ख़त्म होने वाला है। यार एक बार मर तो जाऊँ, मर जाऊँ रिकॉल ऐसे तो नहीं चला जाए यार, कोई मार तो दे यार। नंबर 2 जिंदा था। अच्छा देखा, तुम्हारे भाई के ऊपर भरोसा करने का नतीजा वो जिंदा ही है। तुम्हारे भाई के पास ऑटोमेटिक वाला रिकॉल है, लेकिन अच्छा आगे बाइक। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब बाइक वाले को मारता है, लगती है देखो लगी लगी ना, लेकिन K90 इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, क्या तुम्हारा भाई बोलेगा। देख सकते हो भाई उतर जा, पिरो बंदा था, पिरो बंदा था। कोई भी बोट ना बोले क्योंकि तुम्हारे भाई की इज्जत में इसमें फर्क पड़ता है। अगर कोई बोट बोलेगा तो तुम्हारे भाई की इज्जत इसमें जाएगी। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मारता है एक दो K90 शॉट, लेकिन वो मरता नहीं। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई भरा ही ध्यान और ये लगा, देखा K90 एकदम गू। ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, 8 मिनट की वीडियो है, कुछ भी बना सकता हूँ। तो तुम्हारा भाई एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस की, तुम्हारा भाई अब अपने रियल आवाज़ में करेगा क्योंकि तुम्हारे भाई की इज्जत बढ़ रही। ये नोटिफिकेशन को हटाया जाए ऊपर वाला साले, अभी 3 किले हैं मेरे, 3 किले हैं, तो इसे इग्नोर किया जाए। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए सब्र सुब्र करता है। सब्र सुब्र करने के बाद तुम्हारे भाई को यहाँ पे कोई बंदा दिखता है जो कि उस पेड़ के पीछे है, लेकिन तुम्हारा भाई
उस पैर के पीछे मार नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हारे भाई को कुछ दिख नहीं रहा, तो तुम्हारा भाई देख देख के मारेगा बंदे को, चुन चुन के मारेगा। यहाँ पे उठ बैठ सब कुछ मैंने कर दिया, लेकिन तुम्हारे भाई को वो बंदा नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहाँ पे था। लेकिन तुम्हारे भाई को मतलब फिर ग्रेनेड का सोच आया, तुम्हारा भाई ग्रेनेड मतलब सोच के मारेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एकदम प्रो बंदा है, जो कि मतलब प्रो प्रो प्लेयर। ये देख सकते हैं कैसे जा रहा है, ये स्नाइपिंग थोड़ी सी तुम्हारे भाई की मतलब इधर उधर, वरना तुम्हारा भाई मार देता। यहाँ पे ये बंदा बच बचा के निकल जाता है तुम्हारे भाई के हाथ से, लेकिन इसमें तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि तुम्हारे भाई की मतलब इज्जत में कोई भी खोट या कुछ इज्जत पे दाग नहीं लगना चाहिए। तुम लोग अपने भाई को मतलब प्रो समझ के, कभी कभी मतलब गलती हो जाती है वो समझ के बैठ जाना, ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई टेंशन ना लो, यहाँ पे तुम्हारा भाई मतलब उस बंदे की मौत तुम्हारे भाई के हाथ से ही होने वाली है, और किसी के हाथ से नहीं होने वाली। लेकिन तुम्हारा भाई मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाता है, क्योंकि तुम्हारे भाई को मतलब वो बंदा दूर दूर तक दिख नहीं रहा था, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब बड़ा ही अंदाजा और प्रोनस की तरह देख देख के सेलेटे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई एक बार नूबरों की तरह कर देता है, लेकिन दूसरी बार तुम्हारा भाई नूबरा नहीं बनता है। एक बार इज्जत में दाग लग गया, दूसरी बार तुम्हारा भाई मौका नहीं देता। टू नू 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 पीछे वाला सॉन्ग दे रहा था, तुम्हारे भाई के पास म्यूजिक नहीं है ना बैकग्राउंड, इसलिए तुम्हारा भाई खुद ही अपने मुंह से दे देता है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब कैसा गेम प्ले बनाना चाहता है, प्रो या नूब? नूब का देखो टेंशन ना लो, बाकी प्रो की मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक देखो सामने एक बंदे को नॉक, दो K98 का तुम्हारे भाई ने मतलब मारा, लेकिन तुम्हारे भाई को बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन तुम्हारा भाई मतलब यहाँ पे भी सेंस शक्ति कर गया, तुम्हारा भाई यहाँ पे मतलब 2 बार K98 का शॉट मार के फिर भी वो नॉक नहीं हुआ, तो तुम्हारे भाई को बड़ा ही गुस्सा आया। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मतलब यहाँ से भागने की कोशिश की, तुम्हारा भाई K98 का मारने का शॉट, क्योंकि दूर तुम्हारा भाई ने सोचा था वो भागता हुआ आएगा, लेकिन वो प्रोन होके आया, दोनों वो निकला क्या बोलते हैं नीचे होके बैठ के आया, तो तुम्हारे भाई को बड़ा ही दुख हुआ और यहाँ पे उसने मार दिया, और तुम्हारा भाई यहाँ पे नॉक फिनिश हो गया।